और दोस्तों बिल्कुल अभी अभी रुलखान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। रुलखान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में फर्स्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे उनका प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट जारी किया गया। आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं किस तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। चलिए आपको एक बार वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, वहाँ से आपको लाइव डायरेक्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रुलखान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू इंडिया रिजल्ट की वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने देखने के लिए मिलेगा कई सारे रिजल्ट आज जारी किए गए, जैसे कि MSc 1-2 अपडेट RTI एग्जाम रिजल्ट जारी किया गया है, PGMCEJ फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट जारी किया गया, MBS MBBS पार्ट 1 पार्ट 2 अपडेट RTI एग्जाम रिजल्ट ये भी जारी किए गए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज का हमारा रिजल्ट जिसके बारे में वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो ये है VSC फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट 2022 नई शिक्षा नीति 2022 के अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंट्स की BSc फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएँ हो चुकी हैं, काफ़ी लंबे समय से रिजल्ट का भी सबरी से इंतजार कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे। VSC वाले अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक करेंगे, हमने यहां पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरह से आपको यहां पर इस ऐड को बंद करना है, ठीक है। और इसके बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर यहाँ पर लिखिए और गो पर क्लिक कर दिए। हमारे पास अभी रोल नंबर नहीं है तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक नाम लिख देते हैं। नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कोई भी नेम लिख देंगे, जिसकी आपका नेम जो है वो नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपके नेम से जितने भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स और होंगे उन सब की डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ गो पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। नेम लिखने के बाद नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स जो है वो अभी आ जाएगी। चलिए अभी एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है जिस वजह से यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा से चेक करेंगे अपना रिजल्ट, ठीक है। तो अपना रिजल्ट चेक करने के लिए दोबारा से बैक जाएंगे और दोबारा से यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो भी आपका नेम है लिख देंगे। कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ नाम लिखेंगे और आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना जो नाम है वो अभी लिख चुके हैं और आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लेना। चलिए गो पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ चुकी है, सलमान नाम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी तरह से आपका जो नेम है आप भी यहाँ पर लिखिए। चलिए कोई भी एक रिजल्ट गेट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, आपकी जो डिटेल्स आ जाए तो उसके बाद गेट पर आपको क्लिक करना है, जिसके मान लीजिए आपका नाम है सलमान, फादर नेम ये है, रोल नंबर ये है, तो इसके सामने गेट पर आपको क्लिक करना है। ये जो गेट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कौन से स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर इस बार जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, केवल और केवल यहाँ पर आपका यहाँ पर जो CGPA में मार्क्स दिए हुए हैं यानी कि ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। पहले ही आपको समझा दिया गया था कि इस बार आपके रिजल्ट में मार्क्स शो नहीं होंगे, मार्क्स आपको कैलकुलेट करना होंगे। कैलकुलेट किस तरह से करना है ये भी आगे कुछ समय बाद आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ये बिल्कुल पास हैं। सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।